टेलीविजन एक्टर करण मेहरा का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें करण मेहरा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मर्दों के साथ हो रही ज्यादती, मर्दों के साथ हो रही नाइंसाफी पर आवाज उठाई है। किस तरह अपनी बात रखते हुए भावुक हो गए करण मेहरा, जरा ये सुनिए। Also, एक मिनट के लिए आप मुझे सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो सेलिब्रिटी वाला एंगल जो आ जाता है ना, उसमें सब भूल जाते हैं लोग। ये भी लिख देते हैं, अरे इनकी लाइन में तो ये सब होता है, ये ऐसे करते हैं, वो करते हैं। ये सब हर जगह ही हो रहा है आजकल। आप नॉर्थ चले आइए, मेरे को तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसे ही दिख रहा है। औरत ने आदमी पे डेफिमेशन केस, डेफिमेशन कह रहा हूँ, ये सारी धाराएँ लगाई हुई हैं, सारे आपके ऊपर सेक्शंस आईपीसी के लगे हुए हैं, और आदमी बेचारे भाग रहे हैं। एवरीबडी हियर, आपके घरों में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है। माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू एज करण मेहरा इज टुडे, एज अ सन, एज अ फादर, कि अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूं तो मेरा आके साथ दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी लड़ने को तो मैं लड़ लूंगा, वो मैं लड़ ही रहा हूं। यहाँ हम निशा रावल की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ औरतें जो कानून का नाजायज फायदा उठाती हैं, वो उस एक मछली की तरह हो गई हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।